जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान का ओल्ड पेपर 2018 का। जो भी MPGL प्रहरी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो वह इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। 2018 में क्वेश्चन आंसर आए थे MPGL प्रहरी की जो परीक्षा हुई थी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहां तक पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, टेलीग्राम ऐप में आपके लिए सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। यहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडीएफ फाइल रहती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए जो है उपलब्ध कर देते हैं। और आप जो है MPGL प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 90 98 60 92 91 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपके पास MPGL प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पहुंच जाएगी। तो चलिए आज का अपना जो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है वह कि किस राज्य ने मिशन तंदुरुस्त के तहत आई हरियाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य राज्य के हरित कवर को बढ़ाना है। तो किस राज्य ने यह जो है लॉन्च किया है एप्लीकेशन को, पंजाब, दिल्ली, गोवा या राजस्थान? तो अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है पंजाब, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना को शुरू किया गया? तो पूंजी की योजना को शुरू किया गया कृषि, विनिर्माण या निर्माण या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग? तो क्या होगा राइट आंसर, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक उद्योग के उत्थान के लिए पूंजी की योजना को शुरू किया है? तो आपका राइट आंसर है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विज्ञान की संस्कृति के प्रचार के लिए योजना को संस्कृति मंत्रालय के तहत जबलपुर में खालिस्तान स्थापित किया जा रहा है? तो क्या स्थापित किया जा रहा है जबलपुर में, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र या विज्ञान केंद्र, विज्ञान संग्रहालय, साइंस सिटी या विज्ञान नगरी? तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीन, कमेंट में आंसर जरूर बताएं राइट आंसर क्या होगा इसका। तो इसका राइट आंसर है उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र यानी कि विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिसंबर 2017 में अफ्रीका में पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो कौन है वह बताइए, आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। चार विकल्प आपके सामने हैं, तो आपका राइट आंसर है मधुसूदन पाटीदार, आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर तीन, आपका यहाँ पर जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम औद्योगिक नीति बयान खालिस्तान रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा औद्योगिक नीति संकल्प 1948, विकल्प नंबर दो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पर नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था, होशंगाबाद, महेश्वर, बारवानी या अमरकंटक? तो क्वेश्चन नंबर छह का राइट आंसर बताना है, चार विकल्प आपके सामने हैं, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अमरकंटक, यानी कि विकल्प नंबर चार आपका राइट आंसर होगा अमरकंटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन
के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से खालिस्तान मार्ग पर कमीशन किया गया था। तो क्या है राइट आंसर, जबलपुर, रीवा, सतना या मानिकपुर। हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटारसी से खालिस्तान मार्ग पर कमीशन किया गया था। तो आपका राइट आंसर है जबलपुर, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा जबलपुर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन है कि पेनिनसुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी पर यह स्थित है, यह सर्वोच्च चोटी, बताइए। तो क्या होगा राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर है अन्नामलाई पहाड़ी, आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर एक, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ENBIS मध्य प्रदेश को ENBIS नोट के रूप में भारत सरकार के लिए मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्या 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 किया गया था, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विकल्प नंबर चार आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर है वह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है इसे 1952 में गठित किया गया था, विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में चीता को पुनः पेश करने की रिपोर्ट के तहत मध्य प्रदेश में कौन से स्थल को उपयुक्त रूप से सिफारिश किया गया है। तो कौन से स्थल को बताना है यहाँ पर, बताइए। नौरादेही अभ्यारण्य या सिंगोरी अभ्यारण्य, पचमणी अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य। राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहां पर आपका राइट आंसर है नौरादेही अभ्यारण्य, यानी कि विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था। कहां पर, जबलपुर में, भोपाल में, सागर में या रेवा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका राइट आंसर है जबलपुर, जबलपुर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत खालिस्तान के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC, आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार। अगला क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए। राजस्थान, गुजरात, असम या पंजाब। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर असम, असम आपका विकल्प नंबर तीन राइट आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन है कि उस राष्ट्रपति का नाम बताएं जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन थे वह, बताइए। जाकिर हुसैन या ज्ञानी जेल सिंह या सर्वपल्ली राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है, ज्ञानी जेल से आपका राइट आंसर होगा, ज्ञानी जेल से विकल्प नंबर दो। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2018 में सर्बिया में आयोजित 36वें अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण दस्ताने टूर्नामेंट में बॉक्सिंग
में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट का नाम बताइए। तो कौन थे पहले एथलीट बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, 16 का राइट आंसर है दिव्या पवार, आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4, आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रति वर्ष मैहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो बताइए वह कौन है। उन उस्ताद का नाम बताइए जिनके सम्मान में प्रति वर्ष मैहर सतना में एक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है उस्ताद अलाउद्दीन खान, आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस उद्देश्य के लिए नीति आयोग द्वारा नियतम का गठन किया गया है। तो क्या होगा राइट आंसर, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना, या राज्य शासन की अनुदान प्रणाली का जीर्णोद्धार करना, या राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, या राज्य शासनों पर राज्य की प्रभावी निगरानी और विनियमन। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, यानी कि विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर जो है, सॉरी विकल्प नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को EPRIS परियोजना के तहत इसरो द्वारा चयनित नहीं किया गया है। तो कौन सा वह मध्य प्रदेश का जिला है, तो बताइए इंदौर, बैतूल, सागर या रायसेन। तो 4 विकल्प आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताना है, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है इंदौर, इंदौर यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा इंदौर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्या है इसका राइट आंसर। दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल बेयर या मोलेलो मोलेला क्लिप वर्क या रतलामी सेब या झाबुआ कड़कनाथ काला चिकन मीट। तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का GI टैग उत्पाद नहीं है। तो आपका राइट आंसर है मोलेला क्ले वर्क, आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर 3 आपका जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों यह 20 क्वेश्चन थे सामान्य ज्ञान से संबंधित MP जेल प्रहरी 2018 का ओल्ड पेपर था। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। MP जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 90 98 60 92 91 इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो आपके पास MP जेल प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पहुंच जाएगी। तो वहां से आप MP जेल प्रहरी जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़े, आप सर्च करें IAS स्टडी ट्रैक, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।